ऑल राइट गाइस, तो आ ही गए तुम लोग थंबनेल देख के। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सो आप लोग को पता ही होगा मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 इंडियन गेम के बारे में। हाँ, इंडियन गेम। इस गेम में आपको इंडियन ग्राफिक्स क्वालिटी, इंडियन गेमिंग फीचर, इंडियन ओपन एरिया, सारा कुछ इंडियन इंडियन देखने को मिलता है। ओके, तो मैंने कुछ ज्यादा ही इंडियन बोल दिया। एक मिनट, ये मनसुख कुछ बोलना चाहता है। अरे क्या बोलूं मैं तेरे को, उस टाइम से तू इंडियन ये इंडियन वो बके जा रहा है। मैं इधर गेम देखने आया है, तेरा बकवास सुने नहीं, तू फटाफट से गेम दिखा। गजब बेइज्जती है। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना इन सारे गेम का मैं असली गेम प्ले दिखाता हूँ। मेरे कहने का मतलब रियल गेम प्ले दिखाता हूँ, तुम लोग कुछ और मत समझ लेना। एंड इसके सारे गेमिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि इस गेम में आप क्या कुछ कर सकते हो। सो उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या ही कर रहे हो यार, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो चलिए देखते हैं टॉप 5 इंडियन गेम फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। ऑलराइट गाइस, तो इस सीरीज का 5th रैंक का गेम निकल के आता है इंडियन कार सिमुलेटर 3D। सो ये गेम GTA 5 का कॉपी है। इस गेम में एक बड़ा सा ओपन एरिया देखने को मिलता है एंड इस गेम का जो गेमिंग कैरेक्टर है वो भी इंडियन की तरह है। ओके गाइस, तो आप इस गेम में मोबाइल फोन भी चला सकते हो, बट अपने दोस्तों को कॉल मत कर लेना। अच्छा चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी बाहर चलते हैं। ओह वेट, यहाँ पे सामने ताजमहल देखने को मिल रहा है। बहुत तरीके भाई साहब, मजाक चल रहा है? नहीं 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 नहीं, ताजमहल दे रखा है, बुर्ज खलीफा भी देते, कुतुब मीनार भी बनाते। चलो कोई नहीं, यहाँ पे और भी काफी सारी बिल्डिंगें दे रखी है। वेल, यहाँ पे मैं काफी सारी गन भी चला सकता हूँ। बट वेट, ये क्या, सिर्फ यहाँ पे AKM दे रखा है, स्नाइपर भी दे देते तो बढ़िया रहता। चलो कोई नहीं, आगे मिशन कम्प्लीट करने के बाद हो सकता है मिल जाए। ओके गाइस, तो क्यों ना इस गेम के मैप को एक बार इसे अच्छी तरह से जाने, क्या पता यहाँ पे ताजमहल जैसी और भी काफी सारी बिल्डिंगें दे रखी हो एंड यहाँ पे सुपर कार भी दे रखा है। अभी इसमें बैठ के पूरी सिटी एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो इन सारी चीजों के ऊपर इस गेम को 5th रैंक पे रखा गया है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट गेम की तरफ। ओके गाइस, तो इस सीरीज का 4th रैंक का गेम निकल के आता है पुलिस सिमुलेटर 2022। सो ये गेम पुलिस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको पुलिस की तरह सारे मिशन करने को मिलेंगे। आप गैंगस्टर से फाइट ले सकते हो, कार को चेक कर सकते हो और भी काफी सारी चीजें करने को मिलेगी एंड इस गेम में बड़ा सा ओपन एरिया देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो मुझे इस गेम में सबसे खास चीज लगा, इस गेम में आपको काफी सारी सुपर कार देखने को मिलती है जिसको आप इजिली ड्राइव कर सकते हो। एंड इस गेम के मिशन के बारे में क्या ही बताओ, इस गेम में आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग मिशन करने को मिलती है एंड आप चोरों को पकड़ सकते हो प्रॉपर प्लानिंग करके। सच्ची में ये गेम तगड़ा होने वाला एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। ओके गाइस, तो इस गेम में आपको ग्राफिक्स क्वालिटी एक अलग ही लेवल का देखने को मिलता है, मेरे कहने का मतलब काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। सो इन सारी चीजों के ऊपर इस गेम को 4th रैंक पे रखा गया है। सो चलिए बढ़ते हैं सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो इस सीरीज का 3rd रैंक का गेम निकल के आता है द मेन ऑफ UNCL। सो अगर आप लोगों ने 1990s के कल्चर देखे होंगे उसी टाइप का गेम देखने को मिलेगा इसमें। ओके गाइस, तो इस गेम में आपको वो पुराने जमाने की तरह ओपन एरिया भी देखने को मिलेगा एंड ये ओपन एरिया कुछ कुछ इंडिया से भी मैच करता है एंड इस गेम में आपको 1990s के वो व्हीकल भी देखने को मिलते हैं जिसको आप इजिली ड्राइव कर सकते हो। ओके गाइस, तो इस गेम के मिशन की बात करें तो इस गेम का मिशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड कुछ कुछ मिशन तो GTA 5 की तरह ही है, जैसे कि आप कार चोरी कर सकते हो, गैंगस्टर से फाइट ले सकते हो और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो। ओवरऑल ये गेम GTA 5 की तरह ही होने वाला है, बट आप इस गेम को ऑफलाइन प्ले कर सकते हो। इस गेम में आपको एक बेहतर ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ एक बड़ा सा ओपन एरिया देखने को मिलता है। सो इन सारी चीजों के ऊपर इस गेम को 3rd रैंक पे रखा गया है। एंड हाँ गाइस, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, इन सारे गेम का डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोग वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो इस सीरीज का 2nd रैंक का गेम निकल के आता है मेड आउट 2। सो अगर आप लोग GTA 5 के फैन है तो ये गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इस गेम में आपको इंडियन ओपन एरिया देखने को मिलता है, यहाँ तक इस गेम में आपको इंडियन टाइप घर भी देखने को मिलेगा, वही विलेज टाइप। ओके गाइस, तो इस गेम में आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग मिशन भी करने को मिलता है एंड कुछ मिशन तो GTA 5 की तरह देखने को मिलेगा, जैसे कि आप कार चोरी कर सकते हो, गैंगस्टर से फाइट ले सकते हो और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो। एंड इस गेम के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल ही गया, इस गेम में आपको सुपर कार की काफी अच्छी कलेक्शन देखने को मिलेगी जिसको आप इजिली ड्राइव कर सकते हो। ओके गाइस, तो इस गेम के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताना भूल ही गया, इस गेम में आपको एक बड़ा सा मैप देखने को मिलता है जिसमें कई सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस है जिसको आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। ओवरऑल गाइस, सच्ची में ये गेम तगड़ा होने वाला एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। सो अगर आप लोग GTA 5 का फील अपने मोबाइल फोन में लेना चाहते हैं तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं एंड ये गेम आपके एंड्रॉइड डिवाइस में बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। सो इन सारी चीजों के ऊपर इस गेम को 2nd रैंक पे रखा गया है। सो चलिए बढ़ते हैं इस सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो इस सीरीज का 1st ऑफ ऑल रैंक का गेम निकल के आता है भाई द गैंगस्टर। सो ये गेम इंडियन भाई के ऊपर बेस्ड है एंड इस गेम में आपको एक अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। ओके गाइस, तो इस गेम के NPCs एंड कैरेक्टर पे काफी अच्छा वर्क किया गया है। हाँ, इस गेम के मिशन के बारे में आप लोगों को क्या ही बताऊं, इस गेम का मिशन आपको GTA 5 की तरह देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये गेम GTA 5 की तरह डेवलप किया गया है। ऑलराइट गाइस, तो मुझे इस गेम में सबसे बढ़िया चीज लगा, इस गेम में आपको कैरेक्टर से हिंदी डायलॉग सुनने को मिलेगा जो कि काफी इंप्रेसिव है।
ओके, तो इस गेम में आपको काफी सारी इंडियन व्हीकल देखने को मिलेगी, जैसे कि ऑटो रिक्शा, बाइक एंड और भी काफी सारे सुपर कार जिसको आप इजिली ड्राइव कर सकते हो। एंड इस गेम में आपको हेलीकॉप्टर भी देखने को मिलता है जिसको आप इजिली उड़ा सकते हो। सच्ची में ये गेम तगड़ा होने वाला एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। ऑलराइट गाइस, तो इस गेम में किस तरह का स्टोरी लाइन देखने को मिलेगा वो तो मैं बताना भूल ही गया। इस गेम का जो गेमिंग कैरेक्टर है उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ गैंगस्टर मार देते हैं, देन वो उन्हीं गैंगस्टर को खोज रहा है। इसके लिए आपको काफी सारी चीजें करने को मिलेगी। ओके गाइस, तो इस गेम पर डेवलपर ने काफी अच्छा वर्क किया है। एंड इस गेम का मिशन आपको GTA 5 से मिलता जुलता देखने को मिलेगा। एंड एक चीज बताना भूल ही गया, इस गेम में आपको एक बड़ा सा ओपन एरिया देखने को मिलता है जिसमें कई सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस है। सो गाइस, अगर आपको इंडियन टाइप ओपन वर्ल्ड गेम खेलना पसंद है जो कि GTA 5 की तरह हो, तो ये गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये रहे टॉप 5 इंडियन गेम फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। आई होप ये सारे गेम आप लोगों को पसंद आए हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड हाँ, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही करो यार, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो ताकि इन फ्यूचर नई गेमिंग वीडियो आए तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आपको अगर किसी गेम के ऊपर गेम प्ले एंड रिव्यू वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड उससे पहले आप लोगों ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड वंदे मातरम।